क्या करने आई हो? मैं वैसे फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। छोटे व्लॉग देखते ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तुम्हारे घर छोटी छोटी बच्चियां आई हैं, जा किधर रही? इधर जाओ, इधर जाओ प्रिंसेस, इधर आओ, इधर जा। किधर रही है? ले, तुझे शर्माती क्यों है? है बता यार, लोगों के बच्चे इतने शरारती होते हैं और तुम इतना शर्माती हो, है क्या करने आई हो? वैसी आई हो, चीजी वगैरह खा ली है अपनी? मुझे तो सुला नहीं मारी। कोई नहीं, जब मैं भी खाऊंगा मैं भी मारूंगा, ठीक है? मैं भी अकेले अकेले खा लूंगा अपनी चीजी। ओके ले, तो मुझे खाने देगी अकेले? चल लीजिए, बोर्ड खेल लिया ऊपर, चल खुश, चलो उठ। नाश्ता हो गया रेडी? हाँ जी, मैं 2 मिनट में बस आपको नाश्ता दे रही हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इतनी इतने घर में भी इज्जत होगी आज? ये करना मेरा फर्ज है। अच्छा मामा, मुझे कसम से भूल गया था, मेरा रात को डिनर था, मैं उधर गया हुआ था। हम नाश्ता कर ले पहले। इस तरह के इंडिया के ढाबों के अंदर ग्लास नहीं होते, आज मुझे उस कप के अंदर चाय मिली है, ग्लास के अंदर, सॉरी। वैसे कप नहीं थे घर के अंदर? नहीं। ओके, तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद नहाते नहाते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। 6.5 hours later फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं नहाने के बाद सो गया था, मैं थोड़ी देर पहले आंख खुली, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं सो गया। तो जब तुम लोगों ने कुछ नहीं करना तो मैं नहीं करना। नहीं, अब ये घर के काम मैंने करने हैं। तो और किसने करने हैं? इसलिए क्या, तो शादी कर ताकि उसके काम भी मैं करूं? नहीं, वो करेगी आगे। अच्छा यार, मुझे चाय की क्रेविंग हो रही है, तो जाओ जाके बाजार से पी लो। अच्छा, वो भी बेइज्जती। डस्टिंग किसने करनी है? नहीं, मैं चाय की क्रेविंग कह रहा हूँ, डस्टिंग इधर किधर से आ गई? पहले मैं डस्टिंग करूंगी। अच्छा, उसके बाद मैं कपड़े तय लगाऊंगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने के बारे में सोचूंगी, फिर मैं स्नैक्स भी ले आता हूँ। देर तक स्नैक्स लेने चलते हैं। इतने तुम अमीर स्नैक्स, स्पेलिंग सुना स्नैक्स के। SN ये तो स्नेक वाली। कोई बात, आगे बोल आगे। तो कोई बात नहीं, तेड़ की बहुत से स्नेक्स हैं। ठीक है, यार जाके स्नैक्स ले आए। स्नैक्स के अंदर ना सिर्फ यही चीजें मिली, वन सैंडविच, अपना प्रिंस बिस्किट और एंड वेवी लेस। हमारा स्नैक्स इतना ही होता है, स्नैक्स के अंदर सैंडविच नहीं आता, पर मैं अभी धक्के से डाल लिया। और चाय बना दो अब, जल्दी 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 बना दो, जल्दी मेहरबानी। चाय के साथ अपने फेवरेट प्रिंस बिस्कुट हो ना, चाय पीने का मजा ही अलग है। क्या बात है, सारे पैसे पूरे हो जाते हैं इधर, पूरे 40 रुपए। बाहर कैफों की चाय क्या, मम्मा की हाथ की चाय क्या, क्या बात है। चाय वगैरह तो हमने पी ली है। ये क्या किराया हुआ नीचे? जो इतने दिन से गंदगी पड़ी थी वो साफ नहीं करनी थी? मैं नहाया तो। हाँ ऐसी बातें नहीं करते, क्यों तो पा रहे हो? खुद ही कहते थे ब्लॉग के अंदर, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ। आप तो पा रहे हो, आप तो साबू हो। अच्छा जी, साबू पता है कौन है? नहीं, मिशुतो का बेटा है, बहुत पा रहा है, बहुत पा रहा है वो। जी ठीक है, ये टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया बताना? 8:36। मैंने अभी दोस्त को भी लेने जाना है जो मरीज से आ रहा है।
लेके आ, जेलीज लेके आ। मैंने कहा तो कहेगा मेरे लिए जेलियां ले, जेलीज। नहीं व्लॉग्स के साथ भी बनाएंगे ना। अच्छा, आज का व्लॉग टाइटल ही वो होगा क्या, दोस्त लेकर आया जेलीज। नहीं लेके उसने नहीं आनी मुझे इतना पता, पर फिर भी उसको ब्लॉक करना, जलील तो करना है ना हमने। तुमको पता है सब लोग गरीब होते हैं, तो जब मैं बहुत ज्यादा गरीब होती थी ना, मेरे अम्मी अबू के पास ना पैसे करके मेरे... अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ना रिक्शा तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जो मेरा भाई था ना, मेरा एक भाई है, तो प्लीज उसको तो पता लग जाएगा मैं उसी को बता रही हूँ। अच्छा तो मेरे तीन भाई हैं, लेकिन मैं एक भाई की बात कर रही हूँ। उस वक्त मेरे दोनों भाई जो थे ही नहीं मुझे लगता है। अच्छा मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, तो वो जो मेरे भाई साहब थे ना, वो मुझे लेके गए। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि मुझे काफी शर्मिंदगी हो रही है, मैं साइकिल पे गई कॉलेज, तो मैं पीछे बैठ के ऐसे गई साइकिल पे, तो क्या हुआ दिमाग में पता है बहुत सारी कमेंट लगे। हसन उसने मुझको जान बूझ के उस दीवार के अंदर मारा, मैं गिर गई, मेरा सारा यूनिफॉर्म काले रंग का हो गया। मैंने वहीं पे उसको ना इतनी इतनी ढेर सारी बातें सुनाई। अगले दिन ना मुझे रिक्शा लगवा के दिया गया, फिर हम लोग अचानक अमीर हो गए। मैं ठीक है जा रहा हूँ बाहर। यार हसन मुझे चिपला दो, खुद ही ले आ जाएंगे, मेरी तो टांग ही नहीं है। हसन क्या मतलब, बहनों के काम भाइयों ने नहीं करने, तो और किसने करने हैं। मैं एक मेरी एक बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, मेरे भाई ने मुझे साइकिल से गिरा दिया था काली दीवार के अंदर, फिर आप अमीर हो गए। फिर हम अमीर हो गए, फिर मुझे रिक्शा मिल गया, फिर मैं रिक्शे पे जाने लग गई कॉलेज। तो ये थी मेरी आज की कहानी, मेरी दुख भरी कहानी। मैं रोज अपनी दुख भरी कहानी सुनाया करूंगी। मोए मोए फाइनली बहुत ही इंतजार के बाद अब्दुल्ला आ गया। अब्दुल्ला अब्दुल्ला बोलता नहीं यार, देख क्या आवाज आई ना, यार यूट्यूबर्स की आवाज आ जाती है यार। अब्दुल्ला भी हमारा एक यूट्यूबर है, इंशाल्लाह फ्यूचर यूट्यूबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई कैसे हैं, ठीक हैं? मैं वैसे ही कल जैसा ठीक ठाक, आप सुनो। अच्छा छोटे व्लॉग देखते हैं। क्या कहा क्या कहा, मैं इधर अब कुछ कहना नहीं चाहता, तो मेहरबानी करके मेरा मुंह ना खुलवाओ तो अच्छी बात है। ओ हेलो यार, बकर की कॉल आई थी, मेरे भी आ गई है। बकर पहले मुझे की थी, मैंने कहा था हसन से भी कर ले बात पहले। बकर अलाउद्दीन चिश्ती जो हमारी मरी से जेलीज ले गया। यार ये ब्लॉग में तो सीन आना चाहिए था यार। बकर की बात आती हो, तानू गाना सुने है ना, भूल जो दिन कदे नहीं हो आना। भाई मैंने व्लॉग के अंदर ये भी कहा था अगर हमारी चीजें ना लेके आया तो तुझे तीसरी ट्रीट पड़ जानी। याद होगा तो अच्छी आपको याद है। हाँ, एक पहली उसकी लड़ाई वाली, एक दूसरी ट्रीट, और एक अगर ये ना लेके आया तो ये वाली ट्रीट। ऊपर गुड्डा देख रहे हो, मोमी है, सही बनाई हुई है वैसे जिसने ही बनाई। यार स्टार्ट है, नहीं आ रही, जान से लगाओ, जान लगाओ, जान लगाओ, जान बहुत। ओए बस, अच्छा ठीक है ठीक है, बस नहीं लगनी, नहीं लगनी। आप भाई मेरी 70 को किक मारो बस, ठीक है डन हो। पर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है अभी फिलहाल, 70 का लॉक नहीं है, हैंडल लॉक। किसका भाई, सही करा ली है? नहीं करवा रही है, चेक करवा दो तुझे। नहीं आ तो फिर मैं किसी के घर नहीं जाता, अनजान आदमी के घर नहीं जाता। ओके अब मैं अनजान हो गया हूँ, ठीक है यार चल चलें यार, ये बैट मेरे पास ही है इनका, चल यार चले लेने। यार ना मेरी बाइक में पेट्रोल है ना इसकी बाइक में पेट्रोल है, पर हम बकर को लेने जा रहे हैं। क्या बात है, हेलो यार, नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया चल झूठा। यार आपकी मरी वाली जानिया खानी, हमने खुद कुछ खाया तो आपके लिए लाए भाई, मैंने एक KFC खादा वा। अच्छा सारी रात इतने ही अड़े यार, मैंने 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 तुझे क्या कहा था, मैंने तुझे क्या कहा था अगर तू जालिया ना ले गया तो ये को ट्रीट पर इधर से खाएंगे ना यार, ना 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 चलो भाई।
चलो यार चले सलामत आपको छोड़ दिया घर हमने चीजें आपकी सारी पूरी है आपके पास पर दिली दुख हुआ है जो आप हमारे लिए जेलीज नहीं लेके आए ना क्या सजा है इसकी इधर से खिलाते हैं ये देखो सजा क्या है इसकी ये मुझे बता हेलो पहले बंद कर दे इसको इधर बात कर ले सजाए मौत यार आज अभी आप किटकैट खा लेते यार हमारे लेके आया मुझे लगता है लेके आया बैग के सिटी में 10 रुपए वाली अच्छा जी ठीक है रोक ही रहे हो यार रोक ही रहे हो यार रोक ही रहे हो रोक ही रहे हो ना जरा रोक ही रहे हो अब्बा जी आ रहे अब्बा जी को मंगाना इसलिए रो रहे हो पापा आ रहे हैं नहीं तो फिर रोक ही रहे इधर देखो ये आंखें बंद हो रही है ये देखिए देखिए बढ़िया डिंग डोंग खाते हो ओ हम बंदे ला रहे यार स्पीकर चलो इजाजत है अब जाएं हम ओके बाय बाय पक्की बात है जाएं फिर सोच लो चलें चलो चलते हैं घर को उतार तो दिया ऐसे फजूल इंसान को घर देखे हमारे लिए फिर नहीं कुछ आया बंदा कहता है यार ये ले यार मैं तेरे लिए जेलीज लेके आया ये ले यार पता ही नहीं था यार उधर का किधर करके है यार वो जगह बेटे मुझे कॉल करके पूछता किधर है मुझे मुझसे कॉल की थी तुम्हें नहीं याद उस तरह उस वक्त कर रहा था कॉल हां चलें अब चलते हैं घर को अब बहुत हो गया पर बकर को घर छोड़ दिया था और इंतहा से ज्यादा जिसको कहते हैं ना सर दर्द हो रहा है क्योंकि मैं दो रातों से सही तरीके से सोया नहीं सुबह 5 बजे कोई सोता हूँ नमाज पढ़ के ब्रो 5 के बाद ही मैंने कहा टाइम से बोल दूँ बस भी बढ़िया बस टाइम से सो लिया कर फिर भाई नहीं नींद आती तो ड्यूटियाँ निभानी है भाई एडिट भी करना होता है थंबनेल भी बनाना होता है यार तुझे पता है वर्किंग मैन हूँ मैं यूट्यूब अपना एक बिजनेस है हम बिजनेस को चला रहे हैं इंशाल्लाह एक दिन ये कामयाब होगा यार इधर ही करते अपना ब्लॉग एंड ब्लॉग अच्छा लगे फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हर जगह टली बजा दो मिलते हैं जी अगले ब्लॉग के अंदर मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़